अपना नाम और परिचय बताएं। नाम रविंदर, ग्राम पचफड़िया के रहने वाला हूँ साहब। हमारी खतौनी है, जगह जमीन है और ये लोग दबंग गोलबंद हैं, ये विपक्षी पार्टी। वो लोग हमारे भाई को पहले भी हाथ काट दिए, 308 में हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर हमारे भाई को हाथ पैर तोड़ करके मतलब जान मारने के फिराक में थे। अभी ट्रामा सेंटर में यहाँ से भर्ती जा रहे हैं। अभी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जो कि सुनवाई होनी चाहिए। न SDM महोदय द्वारा, न जिलाधिकारी से कोई, हर जगह से हमारी खतौनी है, हमारे बाप दादा की ज़मीन है, फिर भी वो लोग जबरिया कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने शिकायत किया, क्या आश्वासन मिला? श्रीमान, इसमें कई बार शिकायत किया, जिसमें एक बार 308 हुआ है, मर्डर हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हाफ मर्डर में भी कोई उनको न धरा गया न पकड़ा गया। और इस बार फिर हमारे भाई को पूरा गोलबंद हो करके गांव में छेक करके और मारपीट करके, और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम जिलाधिकारी से भी हर जगह मैंने शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला आया है, तो उसकी क्या स्थिति है? हाँ, अभी आया था, आधे घंटे पहले एक पुलिस द्वारा लाया गया था, पचपेड़िया का है रहने वाला, और इसका नाम कविंद्र यादव है, 42 साल उम्र है। तो बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भेजा गया था कि इसको 2-3 लोग चेक करके गांव के पास में ही आपसी रंजिश में मारपीट किए हैं लाठी डंडे से, काफ़ी उसकी हालत गंभीर कर दिए थे, सर में और पैर में भी फ्रैक्चर था। तो उसका मुआयना वगैरह करके और प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी, पैर में भी सर में भी चोट थी, तो उसको देखते हुए ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है।